हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। देख सकते हैं यहाँ पर ओला स्कूटर जो कि बिल्कुल जल रही है, और जलने के बाद कंडीशन उसका कैसा होता है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। आग कैसे लगी है, क्या कुछ हुआ है, इस वीडियो में आपको देखने को सब कुछ मिलेगा। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं प्लास्टिक बॉडी होने का इतना बड़ा फ़ायदा है कि इतनी खतरनाक आग पकड़ती है तो सारा कुछ ऐसे धूं धूं करके जलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं गाड़ी का जो पार्ट हैं वो सारे कुछ जल रहे हैं, और स्कूटर इतना महंगा होने के बाद भी इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक की है। एक बार गिरती है तो क्या क्या इसका ख़राब होता है कुछ समझ नहीं आता। मेरा स्कूटर खुद ही ख़राब पड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारे स्क्रैच हो गए हैं एक बार गिरने से। गिरते समय एक साइड में हुआ, फिर मेरा एक व्यक्ति ने उठाया तो लेफ्ट साइड में गिरी थी, लेफ्ट साइड में स्क्रैच था ही, राइट साइड में उसने गिरा दिया तो राइट साइड में गिरने से भी स्क्रैच आ गया, दोनों साइड में स्क्रैच आ चुका है। और हैंडल मेरी गाड़ी का टूट चुका है, आप सोच सकते हैं अंदर से हैंडल टूट चुका है, उसको हम कहीं चला नहीं सकते हैं। मोटर बिल्कुल जाम हो चुका है, चलाने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो ओला स्कूटर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए जलने के बाद क्या बचा है, इसका जो मेटल की चीज़ें हैं वही बची हुई हैं, बाकी सब कुछ जल चुकी है, अच्छा चुका है इस गाड़ी का। देख सकते हैं ये फाइबर बॉडी का कमाल है, देखिए सब कुछ ख़त्म हो गया बिल्कुल। तो इस तरह देखिए आग पकड़ रहा है तो कैसे पकड़ रहा है, जैसे लग रहा है बिल्कुल धू धू करके जलन रहा है, इतना तेज़ आप देख सकते हैं आग इसकी। तो ये चीज़ है, शुक्र है इसका डिस्प्ले बचा हुआ है। अब पता नहीं क्या होगा इस व्यक्ति का जिसकी गाड़ी जली है, क्या उसको इंश्योरेंस वाले क्लेम लेंगे या ओला इनको गाड़ी वापस देगा या क्या करेगा, कुछ पता नहीं। भाई ने बहुत गाड़ी को देखी अच्छे से, इसको फ्रेम वेम लगवा करके सब कुछ रखा हुआ है गाड़ी अच्छे तरीके से, लेकिन रखे हुए गाड़ी शुक्र ये था गाड़ी चलते हुए समय नहीं जली है, रुकी हुई है, फिर ऑटोमेटिक कैसे जली है समझ नहीं आ रहा है। इसको ज़्यादातर एक गर्मी का दिन है तो थोड़ा सा हो सकता है बैटरी में कुछ इशू हो गया होगा, BMS का कोई दिक्कत होगा या बैटरी का कोई फॉल्ट होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। सो गाड़ी को धूप में आप न रखें गर्मी के दिनों में, हो सके तो कमरे के अंदर छांव में रखें तो बेटर होगा। मे भी जैसे भी हो, ये दिक्कत तो देख सकते हैं कितनी इतनी लो करके आग, जैसा लग रहा है कि कोई हम कागज़ जला रहे हैं वैसे जल रहा है, इतना तेज। प्लास्टिक होने का ये फ़ायदा है कि अगर आग पकड़ लेना तो फिर कुछ भी बचने वाला नहीं है, ये सारा जल करके ख़त्म हो जाएगा अगर ऐसे जलता हुआ छोड़ दिया जाए तब। फिर इस पर पानी मारा जाएगा, देखिए अभी पानी मारा जा रहा है, सो अभी ये बुझ गया, अगर पानी नहीं मारा तो इसका कुछ भी नहीं बचता, टायर भी ब्लास्ट कर जाता जल करके और सब कुछ ख़त्म हो। देखिए यहाँ पे पानी मारा जा रहा है, सो जा करके ये बुझा हुआ है। अब इस चीज़ को देख करके लोगों में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल जाएगी और बहुत लोग इसको देख के क्या होंगे, प्रभावित होंगे कि मतलब गाड़ी कितनी ज़्यादा ख़राब होती रहती है, क्या होता रहता है इसमें। तो आप खुद सोचिए, दिक्कतें इतनी सारी गाड़ी में हैं, साथ साथ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बहुत सारी, और ओला अपनी रोज़ की नई नई पोस्ट ट्विटर पे किए जाता है गाड़ी मेरी बहुत अच्छी है, पेट्रोल के बीच में खड़ा कर दिखाया जाता है कि पेट्रोल से बहुत बेस्ट है, लेकिन पेट्रोल की बॉडी जो है ना इससे काफ़ी अच्छी है। बॉडी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी रखनी चाहिए, बैटरी वाली है तो इसका BMS बाकी सब कुछ बढ़िया से सही करके रखना चाहिए ताकि किसी कस्टमर को आग की लपेट में ना आना पड़े। अब तक ये कुल मिला के 5वीं गाड़ी जल रही है सेम इसी कंडीशन में, और भी जगहों पे गाड़ियां जली हुई हैं, तो आप लोग थोड़ा गाड़ी को संभल के चलाइए, सावधान रह के चलाइए। ओके, मिलते हैं नए वीडियो तक के, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय बाय।